जी नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पे पढ़ाई कर रहे हैं। खासकर यूपी पीसीएस और टेट दोनों के एग्ज़ाम आ चुके हैं, तो उसके बेहा पर मैंने आज जो टॉपिक उठाया है यूपी स्पेशल के, कि उत्तर प्रदेश के कितने उद्योग हैं और वो सभी उद्योगों को लगभग, ये उन्हीं उद्योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो लगभग पिछले 10 सालों से रिपीटेड रहे हों, या 10 साल के पेपर में कहीं ना कहीं किसी के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछे हुए हों, सिर्फ उसी पर हम बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले से कि उत्तर प्रदेश के क्या क्या इम्पोर्टेंट उद्योग हैं। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर जो टॉपिक का मैंने पहला उद्योग लिया है वो है साबुन उद्योग। बड़ा अच्छा रहेगा कि हम लोग एक साथ सभी लोग, दोनों लोग मिलकर के रिपीट करते हुए पढ़ते हुए चले तो बड़ा अच्छे से याद होगा। अगर मानिए आपसे पूछा जाए कि साबुन उद्योग कहाँ है, साबुन, तो साबुन उद्योग कहाँ है, तो आपका जवाब होना चाहिए कानपुर। कहां पे है? कानपुर में साबुन उद्योग। कहां है? ताला। ताला उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का बड़ा फेमस ताला है। अलीगढ़ ताले के लिए बड़ा फेमस है, अलग अलग वैरायटी के ताले पाए जाते हैं। तो ताला कहां का फेमस है? अलीगढ़। अर्थात ताला का उद्योग कहां है? तो अलीगढ़। याद रखिएगा, इन जिस भी चीज की हम बात करेंगे उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एकदम क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है कि जिस उद्योग के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अन्य जिलों में नहीं है, अन्य डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। बिल्कुल है, वो रहता है, लेकिन जो टॉप है, जो कह सकते हैं कि मुख्य है या पहले बनाए गए, सिर्फ हम उसी पर फोकस करेंगे। आंवला का उद्योग कहाँ लगा हुआ है? तो पहले जो बात कि आंवला के संबंध में मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि आंवले उत्पादन का सबसे नंबर वन स्थान है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़। तो आंवला उद्योग कहाँ है? प्रतापगढ़। जूट उद्योग गोरखपुर के बगल में, आप गीडा वाले रोड पे आगे बढ़ेंगे तो एक जगह मिलेगा सहजनवा। तो सहजनवा में जूट उद्योग बनाया गया। सहजनवा कहां पर है? गोरखपुर। तो गोरखपुर में सहजनवा में जूट उद्योग है। ऐसा नहीं है कि और भी जगह नहीं है, लेकिन गोरखपुर में जूट उद्योग है तो उत्तर प्रदेश का है ये, तो आप याद रखिएगा इसको। पेंटिंग उद्योग कहां पर है? तो पेंटिंग उद्योग के लिए आपको याद होना चाहिए मथुरा। मथुरा पेंटिंग उद्योग बनाया गया है। गलीचा, गलीचा कालीन जो बिछाया जाता है, और पुरातन समय में आज पता नहीं तो घरों में बहुत कम है, लेकिन पुराने समय के लोगों के वहां गलीचे बिछे होते थे। तो गलीचा कहां पे है? तो भदोही। भदोही, तो भदोही में किस चीज का उद्योग है? गलीचे का उद्योग। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि दिया सलाई उद्योग कहां है, एक एक करके याद रखिएगा। तो दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई उद्योग, तो दिया सलाई उद्योग के लिए आप दो जगहों को याद रखिएगा, बता दे रहा हूं दो जगहों कौन कौन है। पहला तो आप बरेली को याद रखिएगा, बरेली जो वेस्ट में पड़ता है, वेस्ट में, लेकिन खासकर आप बरेली को ही रहने दीजिए, ठीक है। बरेली में दो और चीजों को आप ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में कि दिया सलाई उद्योग के अलावा बरेली में और क्या है। तो बरेली में जैसे कि आपकी दरी, दरी उद्योग है, जो दरी बिछाए जाते हैं। इसके अलावा पहला तो दरी हो गया, दूसरा कत्था, कत्था का उद्योग भी है। तो ये दो चीजों के उद्योग कहां पर हैं? बरेली में। तीन चीजों के, दिया सलाई उद्योग, दरी उद्योग और कत्था। कत्था जो बनाया जाता है, कत्था खैर की लकड़ी से बनाया जाता है, खैर की लकड़ी आती है उसी लकड़ी से कत्थे का निर्माण होता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि कत्था का किससे बनता है, तो खैर की लकड़ी से। बिस्किट, जिसको हम बिस्किट, हम जो खाते हैं बिस्किट, कहां पर है? तो बिस्किट के लिए मोदी नगर, मोदी नगर उत्तर प्रदेश का मोदी नगर बिस्किट उद्योग के लिए बड़ा फेमस है। और बिस्किट उद्योग के लिए मोदी नगर ही नहीं बल्कि आप बरेली भी फेमस है इस मामले में, तो बरेली को भी याद रखिएगा। उसके बाद बीड़ी उद्योग के लिए अगर पूछा जाए कि बीड़ी उद्योग कहां का बड़ा फेमस है, तो बीड़ी उद्योग के लिए मैं आपको बता दूं दो जगह,
एक मैनपुरी और दूसरा मिर्जापुर, मैनपुरी प्लस मिर्जापुर, ये बीड़ी उद्योग के लिए बड़ा फेमस है। चमड़ा उद्योग आपको पता ही है, चमड़ा उद्योग जैसा कि कानपुर, तो आपसे पूछा जाए कि चमड़ा उद्योग कहाँ का फेमस है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर है। तंबाकू उद्योग अगर पूछा जाए तो तंबाकू उद्योग फर्रुखाबाद में है, फर्रुखाबाद। तंबाकू उद्योग के लिए कौन सा जगह फेमस है, फर्रुखाबाद। देखिए कागज से संबंधित दो तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कागज उद्योग कहाँ है पूछा जा सकता है आपसे कागज उद्योग, लेकिन यहां पर हमने कागज उद्योग लिखा है, और भी जगह जैसे कि कागज लुगदी उद्योग, हाथ से निर्मित कागज का उद्योग, अलग अलग उद्योग बताता है। तो फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए कि कागज उद्योग कहां पर स्टेब्लिश किया गया उत्तर प्रदेश में, तो आपका जवाब होना चाहिए एकदम स्पष्ट रूप से सुनिएगा, तंबाकू कहां, फर्रुखाबाद। तो कागज उद्योग का अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आपको बताना आपको कि मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर कागज उद्योग के लिए, उसका जगह अलग है। आभूषण उद्योग के लिए कौन सा जगह फेमस है, तो दो सब याद रखिएगा, दो जगह, एक तो पहला कानपुर और दूसरा वाराणसी, ये आभूषण के लिए उद्योग के लिए बड़े फेमस है। लोहे के बांट उद्योग के लिए आगरा याद रखिएगा, और अफीम कारखाना उद्योग के लिए गाजीपुर याद रखिएगा, तो गाजी, गाजा, अफीम इससे याद रख सकते हैं। गाजीपुर कहां पर है ये, मतलब अफीम कारखाने के लिए फेमस है, लोहे के बांट के लिए आगरा। देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज एकदम से स्पष्ट कर दूं कि आगरा में जो बांट लगाया गया ये वही बांट है जिसपे बटकरे पे लगा करके तराजू पर जो किलो बांट रख करके तौला जाता है, तो उसी बांट की बात कर रहे हैं। तो बांट कहां पर है, तो बांट माप अधिकारी भी होते हैं जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर होते हैं, तो वो बांट को की जांच करते हैं, और अफीम के लिए पूछा जाएगा तो गाजीपुर। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। साबुन उद्योग कहां है, कानपुर। ताला उद्योग कहां है, अलीगढ़। आंवला उद्योग कहां है, प्रतापगढ़। जूट उद्योग कहां है, साजनवा, गोरखपुर। पेंटिंग उद्योग कहां है, मथुरा। गलीचा कालीन उद्योग कहां है, भदोही। दिया सलाई उद्योग कहां है, बरेली, और बरेली में दरी और कत्था, कत्था खैर की लकड़ी से मिलता है। बिस्किट उद्योग कहां है, मोदीनगर और बरेली। बीड़ी उद्योग कहां है, मैनपुरी और मिर्जापुर। चमड़ा उद्योग कानपुर। तंबाकू उद्योग कहां है, फर्रुखाबाद। कागज उद्योग कहां है, मुजफ्फरनगर। आभूषण उद्योग कहां है, तो कानपुर और वाराणसी। लोहे का बांट उद्योग कहां है, तो आगरा। और अफीम कारखाना कहां पर है, तो गाजीपुर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गुड़ उद्योग कहां है। ठीक है, गुड़ उद्योग मीठा गुड़ जो होता है गन्ने को पेराई करके बनाया जाता है गुड़, तो सीतापुर में, सीतापुर में गुड़ उद्योग, तो गुड़ उद्योग कहां है, सीतापुर। टेरिकोटा उद्योग कहां है, तो टेरिकोटा के लिए जो टेरिकोटा मिट्टी होती है सबसे बेस्ट मिट्टी पाई जाती है, तो गोरखपुर में पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा, टेरिकोटा गोरखपुर, गोरखपुर में टेरिकोटा। अब इससे बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती हैं। उसके बाद रेल पहिया कारखाना कहां बनाया गया है, तो लालगंज का नाम मत भूलिएगा, लालगंज, लालगंज। गुड़ उद्योग कहां है, सीतापुर। टेरिकोटा उद्योग कहां है, गोरखपुर। रेल पहिया कारखाना कहां पर बनाया गया है, तो लालगंज। और पूछा जाए कि डीजल मोटो लोकोमोटिव वर्क कहां है, तो आपका जवाब होना चाहिए बनारस, बनारस अर्थात आप कह सकते हैं वाराणसी, बनारस एक ही है। ठीक है, तो बनारस में एक जगह मैं आपको बता दूं, मड़ुआ डीह, याद रखिएगा इस जगह को, मड़ुआ डीह, मड़ुआ डीह। इसी मड़ुआ डीह में डीजल लोकोमोटिव वर्क बनाया गया,
इस्पात उद्योग कहां पर है? तो इस्पात उद्योग है अलग अलग जगहों पे, लेकिन जो फेमस है गाजियाबाद का, गाजियाबाद कागज का मैंने बताया था कि कागज के लिए आप देखिए कागज उद्योग कहां बनाया गया है, तो मुजफ्फरनगर बनाया गया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कागज लुगदी उद्योग कहां का फेमस है, तो सहारनपुर, सहारनपुर। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर है एकदम नॉर्थ और वेस्ट में पड़ता है, जो तीन राज्यों से टच करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। मैं बताया था उत्तर प्रदेश का, मेरा क्वेश्चन है आपसे, दो क्वेश्चन इसी बारे में आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा टच करता है, उत्तर प्रदेश पर कौन सा ऐसा राज्य है, दूसरा क्वेश्चन, जो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से टच करता है, ठीक है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहां बनाया गया है, तो कृत्रिम मतलब अप्राकृतिक रूप से जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से नहीं, जो जैसे हमारे अंग हैं प्राकृतिक रूप से बनते हैं, जो कृत्रिम अंग कहां बनाए जाते हैं, तो आपसे कभी पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए कानपुर। कानपुर, कानपुर बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए कई जगह उसका जरूरत पड़ गया आपका, पहला साबुन उद्योग में पड़ा, चमड़ा उद्योग में पड़ा, ठीक है, आभूषण उद्योग में पड़ा, उसकी आवश्यकता तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आपके कृत्रिम अंग लिमिटेड के लिए भी कानपुर। हाथ से कागज निर्माण के लिए मैंने बताया कि वहां पर देखिए, अब कागज के लिए लुगदी के लिए सहारनपुर याद रखिएगा, लेकिन हाथ से जो निर्मित कागज का उद्योग है वो कहां है अगर पूछा जाए, तो मथुरा। मथुरा सिगरेट निर्माण उद्योग, सिगरेट जो पिया जाता है मतलब अच्छी बात नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप बिल्कुल भी प्रयोग ना करिएगा, तो सिगरेट निर्माण उद्योग और घंटी, जो घंटी बनाई जाती है वो कहां के फेमस है, तो दोनों जगह पूछा जाए सहारनपुर। वही सहारनपुर जिसके बारे में अभी जस्ट बात किया हमने, लुगदी मिलता है। औषधि उद्योग कहां का फेमस है, तो कानपुर का। और भी जगहों पर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। प्लाईवुड उद्योग कहां पर बनाया गया है, प्लाईवुड बनाया गया है कहां पे, सीतापुर, सीतापुर। देखिए चीनी मिट्टी, जो मिट्टी का चीनी मिट्टी होती है, तो चीनी मिट्टी का बर्तन उद्योग कहां बनाया गया है, तो आपको बता दें जगह है बुलंदशहर में खुर्जा, वहां का बड़ा फेमस है खुर्जा। कहां पर है ये, बुलंदशहर। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल उद्योग कहां का फेमस है, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। सैमसंग मोबाइल कारखाना पूछा जाए, तो एकदम सैमसंग जैसे ही नाम आया तो नोएडा का नाम मत भूलिएगा, नोएडा। और अगर खेल सामान के लिए आए तो दो जगह, दो जगह आप याद रखिएगा फिलहाल के लिए, तो मेरठ, और मेरठ के अलावा आप आगरा को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से इस चीज को दोहरा रहा हूं, ठीक है जी। देखिए गुड़ उद्योग कहां पर है, सीतापुर में। टेरिकोटा उद्योग कहां का फेमस है, गोरखपुर का। रेल पहिया कारखाना कहां का फेमस है, तो लालगंज का। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर है, तो होना चाहिए बनारस। इस्पात उद्योग कहां है, तो आप कहिएगा गाजियाबाद। कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहां है, कानपुर। हाथ से कागज निर्मित जो कह सकते हैं कि उद्योग बनाया गया है वो कहां पर है, तो मथुरा। सिगरेट निर्माण उद्योग कहां है, सहारनपुर। औषधि, औषधि निर्माण उद्योग कहां बनाया गया है, कानपुर। प्लाईवुड उद्योग कहां बनाया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए सीतापुर। चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग कहां है, खुर्जा। मैंने बोला खुर्जा किस जगह पर है, बुलंदशहर में। लोकोमोटिव उद्योग कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर। सैमसंग मोबाइल कारखाना कहां पर है, नोएडा। खेल सामान उद्योग कहां पर है, मेरठ और आगरा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फिलहाल लीजिए तो बोलता हूं मैं। हाँ
देखिए उत्तर प्रदेश में इन सभी चीजों की बात किया, आप एक दो चीजें और नोट कर लीजिए। जैसे आपसे अगर कभी एग्जाम में ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बृहद या बड़ा उद्योग कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए हथकरघा। करघा, तो हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बृहत्तम या बड़ा उद्योग है, हथकरघा उद्योग। प्रमुख औषधि नगर किसको कहते हैं, तो कानपुर को प्रमुख औषधि नगर के नाम से जाना जाता है। अब हम कुछ ऐसी बातों पर बात कर लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें पूरे भारत की, पूरे इंडिया की बात करें, तो पूरे इंडिया में चीनी के उत्पादन को अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन चीनी का महाराष्ट्र करता है, दूसरे नंबर पर चीनी का उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश करता है। अर्थात चीनी के उत्पादन की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हमारा दूसरे स्थान पर है, क्योंकि वहां पर नंबर वन पर होने का एक कारण ये है उनका कि वहां पर चीनी मिलें बहुत ज्यादा हैं, तो सर्वाधिक चीनी मिल कहां पर है, महाराष्ट्र में। सूती वस्त्र की अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र के मामले में जो उद्योग है हमारे, तो उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है चीनी के मामले के दृष्टिकोण से, उत्पादन के दृष्टिकोण से दूसरे, और सूती वस्त्र उद्योग के आधार पर अगर आप देखें तो तीसरे स्थान पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो भी मैंने बताया हूं इसको आप अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप प्लीज इसको देखिए, क्योंकि मान लीजिए कि एक से दो क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाले हैं, ठीक है जी। तो इसको बार बार रिपीट करिएगा। मैं कोशिश किया हूं कि पिछले 10 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से उद्योग पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में मैंने चर्चा किया। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।